एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक एडमिशन नोटिस को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिशन नोटिस को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं जिसमें डिस्क्रिपेंसी है, कुछ लोगों के एडमिशन फॉर्म में जो आपने अप्लाई किया है जामिया के लिए उसमें डिस्क्रिपेंसी है, कुछ गलत है, कुछ मिस्टेक है जिसको आपको सुधारना, जिसको आपको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो चलिए यार हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एक नोटिस आया था पहले जामिया का 1st of October को, जिसके लिए मैंने वीडियो बना दिया था अर्जेंट नोटिस करके, ठीक है। अब फिर यही नोटिस दोबारा आया है 14th of October को, देखते हैं इसमें क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिस है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीटेक स्टूडेंट के लिए, जिन बच्चों ने भी जामिया के बीटेक के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, इन्होंने क्या किया, जेई का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो गलत फिल किया है। अभी नोटिस आया था, काफ़ी सारे बच्चे थे उनके लिए नोटिस आया था 1st of October को, उन्हें टाइम दिया गया था कि आप करेक्टली फिल कर लें ताकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपना रिजल्ट रिलीज कर सके। लेकिन अब भी कुछ क्या 137 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक उसको करेक्ट नहीं किया। तो यार आपको टाइम दिया गया 15th of October तक, मतलब कल तक टाइम है, 15th of October तक टाइम है। अगर आप अपना करेक्ट नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। भले ही आप कितने मेरिटोरियस हो, कितने अच्छे रैंक हो आपके जेईई मेंस के अंदर, लेकिन आपका एडमिशन नहीं होगा। तो चलिए यार हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे करना है इसको। देखिए अभी मैं एक फॉर्मेट दिखाऊंगा, उस फॉर्मेट को आपको फिल करना है, बस नाम वगैरह है, जेईई मेंस का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एप्लीकेशन आईडी है, इन सब चीज़ों को आप फिल करेंगे, उसका प्रिंट आउट लेकर के और यहाँ पे मेल कर देंगे controlofexaminations@jmi.ac.in। देखिए सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको क्या फिल करना है आपको, उसके बाद मैं दिखाऊंगा किन किन बच्चों का नाम है। देखिए ये आपके पास फॉर्मेट है, ठीक है, इसको आप प्रिंट आउट लेंगे। इसको प्रिंट आउट लेने के लिए पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल में देखोगे, वे टू हील नाम से ही है, जैसे चैनल का नाम है सेम ऐसी नाम जब सर्च करोगे तो चैनल का ही लोगो वहाँ पे सेम है, आपको वहाँ मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेना उसको डाउनलोड करके, और यार इसको फिल करना है आपको, अपना नेम फिल करना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जामिया एप्लीकेशन नंबर। अब जामिया एप्लीकेशन नंबर क्या होता है, आप जब इस लिस्ट में देखेंगे आपका जहाँ भी नाम है वहाँ पर ये वाली जो आईडी है ना जेएमआई करके, ये जामिया एप्लीकेशन नंबर या एप्लीकेशन आईडी होता है, आप इसको देखेंगे या फिर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी अवेलेबल होगा, आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद जो फिल करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें बच्चे गलती कर गए हैं, वो है जेई मेंस करेक्टेड रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपको ये फिल करना है। उसके बाद इसको फिल करने के बाद इसका क्लिक करेंगे आप फोटो या फिर पीडीएफ जो भी आपको दिल करे, और वो सेंड कर देंगे आप controlofexaminations@jmi.ac.in पे। अब हम लोग क्विकली यार देख लेते हैं किन किन बच्चों का नाम है, किन किन बच्चों का यहाँ पे नाम है जिन्होंने गलत फिल किया था, उनको दोबारा फिल करना है। मैंने अभी बताया 137 बच्चे टोटल हैं। देखिए इस पेज में देखें आप तो यहाँ पे 14 हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट में देखें यहाँ पे आकर के 45 हो गए टोटल, फिर नेक्स्ट पेज यहाँ पे 73 तक आ गया है। अब यहाँ पे देखें ये 100 बच्चे हो गए। अब हमारे पास एक दो लास्ट पेजेस होंगे, यहाँ पे देखिए 127 बच्चे और 10 बच्चे आगे हैं इस लिस्ट में, यानी कि टोटल 137 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गलत फिल किया। क्या गलत फिल किया, जेई मेंस रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप इसको करेक्ट नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, आप जामिया में एडमिशन नहीं ले पाओगे। सो यार आपके जानने वाले में, आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड्स में, किसी में भी आपको अगर पता है कि किसी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीटेक का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आप उनको जरूर भेजें ये वीडियो, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के ज्वाइन करके वहां से देख सकते हैं। और मैं फिर बताता चलूं, ये सबको नहीं करना है, जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम है, जिन 137 बच्चों का नाम है सिर्फ उनको करना है ये, बाकी बच्चों को नहीं करना है। सो यार दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।